भक्ति का कैसे कष्ट दूर हो, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर हो। सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी ये कोई बड़ी बात है? अगर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना है तो सत्कर्म कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। श्रीमद् भागवत, उसका गायन श्रवण कैसे हो। जब भागवत जी का वाचन होने लगा, सुखदेव जी महाराज जब गद्दी पर आके विराजमान हुए तो उस समय देवता अमृत, आप ध्यान दीजिएगा भागवत क्या है, देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी सामने हैं, देवता अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी बोले कैसे पधारे? बोले महाराज हमको ज्ञात हुआ है कि परीक्षित को श्राप लगाया कि सप्तमी तक्षक हानि, सातवें दिन तक्षक के दंशन से इनकी मृत्यु हो जाएगी। बोले अच्छा, तो बोले हम इनको अमृत पिलाने आए, अमृत पी का अजर अमर हो जाएंगे। सुखदेव स्वामी ने कहा पिला दो। सुखदेव जी बोले ना 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 ना, ऐसे नहीं पिलाएंगे। तो एवं विनमये जातः सुदाराग्य प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। महाराज जी हम ऐसे अमृत नहीं पिलाएंगे, पिलाएंगे पर अदला बदली करेंगे। हम स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला देते हैं और आप भागवत रूपी अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी महाराज उनका मुख देख करके, एक टकटकी मुख देख करके ऐसे देखते रहे और एकदम से हंसे, माने उनकी हंसी उड़ाई। जैसे आप कोई बात बोलो, आपकी बात बोलते बोलते बीच में कोई हंस जाए, समझ जाओ आपकी बात का कोई गंभीरता नहीं है। देवता बोले तुम क्यों हंसे? तो सुखदेव जी कहते हैं अरे देवताओं, तुमको अदला बदली करना भी नहीं आता, हमेशा अदला बदली समान सामान की होती है, एकदम समान। किसी ने गले में सोने की चैन पहन रखी एक तोले की, और किसी ने हाथ में कड़ा पहन रखा एक तोले का, बदला करे साज आकार बदलेगा पर भाव एक है। लेकिन किसी के गले में चैन और किसी के हाथ में लोहे का कड़ा, कहां हो को काचो को मणि महान, कहां तो स्वर्ग का जो अमृत है वो कांच है और कहां ये मणि, इनकी तुलना नहीं हो सकती। अरे जरा विचार करें, अमृत की तुलना तो भागवत जी से हो ही नहीं सकती। भागवत क्या है, मरे हुए को जीवन दान देती है, और अमृत जो निकला वो लाखों लोगों को मार करके निकला, छल कपट से निकला, आडंबर से निकला, पाखंड से निकला, धोखे धड़ी से निकला। समुद्र मंथन होने लगा तो लेकर उसमें था दोनों की पक्ष की तय हुई कि जो आधा आधा भाग मिलेगा हम दोनों आपस में लेंगे, और असुर लेके भाग गए। समुद्र जब मंथन हुआ तो लाख, सबसे ज्यादा जीव जितने जीव जल में रहते हैं उससे दुगनी रहते हैं आकाश में, आकाश में जितने रहते हैं उससे कई गुना जल में रहते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई जीव रहता है तो जल में रहता है, आप जाओ किसी ऐसे दूसरे जल में वहां उठाओ तो लाखों कीड़े हाथ में आ जाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें लाखों करोड़ों जीवों की बलि दे दी गई, कहां जाएंगे बेचारे, उनकी चीख निकली। इन सब क्रियाकलापों के द्वारा समुद्र मंथन बाहर हुआ तो अमृत निकला। उस अमृत की तुलना क्या भागवत जी से हो सकती है? भागवत क्या है, गोपियां कहती हैं, तब कथामृतम त्रप्त जीवनम कभी भी पीतम कलमस, माने पापों को समन करने वाली है, और श्रवण मंगलम, भागवत को सुनने से मंगल होता है। श्री मुदाततम, भागवत जी लक्ष्मी प्रदान करती है। भूवि गृणन्ति बड़े बड़े जनित ऋषियों ने महात्माओं ने कहा है ये भागवत का स्वरूप है। देवताओं को भड़का दे, जाओ नहीं देना। देवता नारा, देवता जब चले गए ब्रह्मा जी से जाकर शिकायत की हम अमृत लेकर के गए और हमने जाकर के निवेदन किया तो महाराज हमें डांट फटकार के भगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करते हैं ना, सात दिन रुक जाते हैं, सात दिन के बाद का रिजल्ट देखते हैं।
अरे भागवत सुनकर परीक्षित को क्या होता हम देख लेते हैं। वहीं सत्यलोक में बैठी बैठी देवताओं ने देखा, 7 दिन कथा सुनने के बाद जब परीक्षित ने अपना 5 भौतिक शरीर त्यागा, दिव्य रूप धरो जाता तुलसी धाम मंडिता, गले में तुलसी की माला, मस्तिष्क पर चंदन, हाथ में माला, पीताम्बर धारण करके जब परीक्षित विमान में बैठे और भगवत धाम जाने लगे, भागवत जी की जय जयकार होने लगी, तब ब्रह्मा जी ने अपने लोक में एक तराजू में भागवत जी को रखा, एक तराजू में संसार के ग्रंथों को रखा। हुआ क्या? लघु न्यानी अन्यानी जातानी गौरवेण इदं महा तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। अन्यानी लघुनानी ग्रंथानी, जितने भी ग्रंथ थे सब हल्के हो गए, उनका पल्ला ऊपर हो गया। और गौरवेण इदं महात्, भागवत जी का पल्ला भारी हो गया। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, मैं ब्रह्मलोक से घोषणा करता हूं, मुक्ति दाने न गर्जति, केवल भागवत जी मुक्ति देने में सामर्थ्य है। प्रेम से बोलो राधे राधे।